कसौली हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित छोटा सा ऑफ पीट हिल स्टेशन। अगर आप अभी तक कसौली नहीं गए हैं या प्लान कर रहे हैं कसौली जाने के लिए, तो मेरा ये व्लॉग काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको ये बताने के लिए कि कब, क्यों और कैसे करें कसौली ट्रिप। गिलबर्ट ट्रेल, मार रोड, क्राइस्ट चर्च, मंकी पॉइंट, सनसेट पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, मेडिटेशन पॉइंट और हेरिटेज मार्केट, ये कुछ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं कसौली के। और अब बात करते हैं कसौली पहुंचा कैसे जाए। न्यू दिल्ली से कसौली की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है, जिसको अपनी कार से ट्रैवल करने में आपको 6 से 7 घंटे का समय लग सकता है। वहीं चंडीगढ़ से कसौली की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है, अपनी कार से आप इसे 2 घंटे में तय कर सकते हैं। रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। चंडीगढ़ से आप चंडीगढ़ शिमला हाईवे से ही कसौली के लिए जाते हैं। रोड्स की कंडीशन अच्छी होने के साथ साथ रोड से दिखने वाला व्यू भी बहुत अच्छा है। चंडीगढ़ से जैसे आप हिमाचल में एंटर करते हैं, चंडीगढ़ से कसौली तक का 2 घंटे का सफ़र आपका आसपास के व्यूज़ को देखते हुए ही निकल जाता है। अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो आप चंडीगढ़ तक बस से आने के बाद यहाँ से कसौली के लिए सीधी बस ले सकते हैं। जो लोग पहाड़ों में ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाते, उनके लिए कसौली बेस्ट हिल स्टेशन है, क्योंकि कसौली जाने पर आप अधिकतर प्लेन में ही ट्रैवल करते हैं। लास्ट के 10 या 11 किलोमीटर आपको थोड़ा पहाड़ी सफ़र तय करना होता है। आप शिमला के लिए चलने वाली बस से भी कसौली आ सकते हैं। कसौली चौक पर उतरकर आप यहाँ से कसौली के लिए दूसरी बस ले सकते हैं। कसौली चौक से कसौली की दूरी सिर्फ 11 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ से आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों ही बसेस मिल जाती हैं कसौली के लिए। यहाँ से कसौली तक का रास्ता काफ़ी छोटा है और थोड़ा कठिन भी है, और अगर आप पहाड़ों में ड्राइव नहीं कर पाते हैं तो आप यहीं सड़क के साथ बने हुए होटल्स में स्टे कर सकते हैं, और आप यहाँ से प्राइवेट टैक्सी या बस से कसौली जा सकते हैं। कसौली आने वाले अधिकतर टूरिस्ट ऐसा ही करते हैं, क्योंकि कसौली में सड़कें काफ़ी छोटी हैं और वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत पार्किंग की आती है, और इन होटल से दिखने वाला व्यू भी काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं कि कसौली कब आया जाए, कसौली आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। कसौली में पूरा साल ही टूरिस्ट आते हैं। गर्मियों के दौरान यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना रहता है। आप मॉनसून में भी कसौली आ सकते हैं। यहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और दूसरे हिल स्टेशन की तरह यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा कम रहता है, और मॉनसून के दौरान यहाँ से दिखने वाला व्यू और भी आकर्षक हो जाता है। अगर आप अपनी कार से ही कसौली जाते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग कसौली पहुँचने की, क्योंकि कुछ ऐसी मार्केट्स को क्रॉस करके आप कसौली जाते हैं और जैसे जैसे समय बढ़ता है यहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है और आपको कई घंटे जाम में भी खड़ा रहना पड़ सकता है। कसौली एक छोटा हिल स्टेशन है, आप इसे 1 या 2 दिन में पूरा घूम सकते हैं। कसौली से 2-3 किलोमीटर पहले बने इन होटल्स में रुकना भी बेस्ट है। यहाँ पर आपको सड़क के किनारे ही पार्किंग मिल जाती है, और आप यहाँ से पैदल ही कसौली घूमने के लिए जा सकते हैं। कसौली कैंट एरिया है और यहाँ पर काफ़ी मैनेजमेंट आर्मी के हाथ में है। कसौली पहुंचने पर पार्किंग के लिए कुछ ऐसी लाइन मिलती है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है ये लाइन भी बढ़ती जाती है, और ये है कसौली की पार्किंग और बस अड्डा जो कि साथ साथ हैं। कसौली में सीज़न के दौरान या वीकेंड के दौरान पार्किंग की समस्या रहती है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँचते हैं तो आपको काफ़ी सुविधा रहती है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है गाड़ियों की संख्या बढ़ती जाती है, और पार्किंग में उतनी ही गाड़ियाँ लगाई जाती हैं जितनी गाड़ियाँ वहाँ से निकल कर जाती हैं, नहीं तो आपको घंटों पार्किंग के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। यहाँ पर प्राइवेट कार्स अलाउड नहीं हैं, आपको पैदल ही कसौली घूमना होता है। यहाँ पार्किंग के सामने ही मॉल रोड है, और साथ ही कुछ कैफ़ेज़ बने हुए हैं जहाँ पर खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस उपलब्ध हैं, और ये कैफ़ेज़ बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। आप यहाँ से मॉल रोड या हेरिटेज मार्केट पहले देख सकते हैं, लेकिन मैं गया था यहाँ पर सबसे पहले सनसेट पॉइंट और गिलबर्ट ट्रेल देखने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले द कसौली क्लब आता है, जो कि लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसकी स्थापना 1880 के आसपास हुई थी, लेकिन ये केवल मेंबर्स के लिए है, आप केवल इसके बाहर खड़े होकर फ़ोटोज़ ही खिंचवा सकते हैं।
और आप आगे बढ़ते हैं गिल्बर्ट ट्रेल और सनसेट पॉइंट को देखने के लिए। यहाँ पर और भी काफी प्लेसेस हैं, लेकिन वो सिर्फ आर्मी के लिए हैं, आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। कसौली एक कैंट एरिया है और यहाँ पर आपके बैग्स भी चेक किए जाते हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स के आगे अल्कोहल जैसी कोई चीज़ अलाउड नहीं है। यहाँ सड़कें काफ़ी साफ सुथरी हैं और आप जगह जगह पर रुक कर विवश हो जाते हैं इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए। नेचर लवर्स के लिए एक पैराडाइज है कसौली। कुछ ही मिनट पैदल चलने पर आप पहुंच जाते हैं सनसेट पॉइंट पर। सनसेट पॉइंट पर छोटे बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। यहाँ से पहाड़ों के बीच में होने वाला सनसेट बहुत ही खूबसूरत दिखता है। खैर, हम यहाँ पहुँचे थे दिन के समय में, लेकिन अगर आप कसौली आते हैं तो कोशिश करें कि यहाँ पर रुककर सनसेट का नज़ारा ज़रूर देखें। ऐसे दिन के समय में भी यहाँ से दूर तक पहाड़ों के दिखने वाले नज़ारे काफ़ी आकर्षक हैं। सनसेट के समय पर यहाँ पर बैठ के सनसेट देखने की व्यवस्था की गई है। यहाँ से कुछ ही मिनट पैदल चलने के बाद आप पहुँच जाते हैं गिल्बर्ट ट्रेल पर। और गिल्बर्ट ट्रेल मेरे कसौली ट्रिप की मेरी सबसे पसंदीदा जगह रही। यहाँ पर चलते चलते मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बादलों के बीच में चल रहा हूँ। नेचर के द्वारा कुछ इस तरह का म्यूज़िक यहाँ बजाया जा रहा था। अगर आप कसौली आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप गिल्बर्ट ट्रेल ज़रूर जाएं। ये 1.5-2 किलोमीटर लंबा ट्रेल है और इसके बाद आप पहुँच जाते हैं लवर्स पॉइंट पर। यहाँ से दूर आप देख सकते हैं सुसाइड पॉइंट को। यहाँ से दिखने वाला व्यू बहुत ही खूबसूरत था। हम हर तरफ से कोहरे से या बादलों से घिरे हुए थे और हम इन पहाड़ों के पार नहीं देख पा रहे थे, लेकिन फिर भी नज़ारा बहुत सुंदर था। लवर्स पॉइंट से लेकर सुसाइड पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन सुसाइड पॉइंट पर पहुंचने पर वहां से भी व्यू काफ़ी सुंदर है। हमें बताया गया कि जब मौसम साफ रहता है तो आप यहां से चंडीगढ़ शहर को भी देख सकते हैं। जून के महीने में ये दोपहर का समय था, लेकिन यहाँ पर हवा में काफ़ी ठंडक थी और तापमान में भी काफ़ी गिरावट थी, और ऐसा भी नहीं था कि आज कोई बारिश वगैरह हुई है। यही है कसौली का मौसम जो टूरिस्ट को आकर्षित करता है यहाँ आने के लिए। यहाँ आने से पहले आप माल रोड से अपना ब्रेकफास्ट लंच वगैरह कर आएं, क्योंकि यहाँ पर आसपास खाने पीने की विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप अपना पानी वगैरह भी साथ लेकर चलें। गिल्बर्ट ट्रेल से वापस आने के बाद आप सामने ही जा सकते हैं मंकी पॉइंट की ओर। कसौली शहर में पैदल घूमने का ही मज़ा है। यहाँ पर रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होती, और अगर आप टैक्सी वगैरह हायर करते हैं तो वो भी शहर के अंदर अलाउड नहीं है, वो आपको शहर के बाहर से घुमा कर लाते हैं और उसके बाद भी आपको काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। सनसेट पॉइंट, गिल्बर्ट ट्रेल और अब आप जा सकते हैं मंकी पॉइंट की ओर। मंकी पॉइंट एक ऊँची पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में बंदर हैं। यहाँ पर रोड के साथ आपको खाने पीने के छोटे मोटे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब आप पहुँच जाते हैं मंकी पॉइंट की एंट्रेंस पर। ये एरिया इंडियन एयरफोर्स के अंडर आता है। यहाँ से आगे आपका मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, और यहाँ से आपको सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर मंकी पॉइंट पर जा सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं कसौली पार्किंग पर। पार्किंग के साथ ही बना हुआ है एक 18वीं शताब्दी का पुराना चर्च। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना चर्च है और यहाँ पर भी काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। इस चर्च से बाहर निकलने के साथ ही माल रोड शुरू हो जाता है। माल रोड से 200 मीटर की दूरी पर चलने पर आप पहुँच जाते हैं हेरिटेज मार्केट में। हेरिटेज मार्केट कसौली की एक सबसे पुरानी मार्केट है। हेरिटेज मार्केट भी टूरिस्ट में काफ़ी लोकप्रिय है। लोग यहाँ पर घूमना फिरना काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ पर खाने पीने के लिए और शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। यहाँ पर कई तरह के कैफ़ेज़ भी हैं और कई पुराने होटल्स भी हैं। कसौली का कई साल पुराना और फेमस बंद समोसा और जलेबी की दुकान भी यहीं पर है।
यहाँ पर माल रोड और हेरिटेज मार्केट के आसपास आपको रहने के अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि 1200-1500 रुपए से शुरू होते हैं और सीजन के अकॉर्डिंग घटते या बढ़ते रहते हैं। इस एरिया में शाम के समय में काफ़ी चहल पहल रहती है। इस मार्केट को क्रॉस करने के बाद आपको खाने पीने के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ रोड के साथ में छोटे छोटे कैफ़े और होटल्स बने हुए हैं जहाँ पर आप अपने फूड को एंजॉय कर सकते हैं। इसी रास्ते पर आगे चलते हुए आपको पूरा कसौली शहर दिखता है, जहाँ पर काफ़ी पुराने मकान बने हुए हैं। ये रास्ता सीधे आपको ले जाता है मेडिटेशन पॉइंट की ओर, और ये मेडिटेशन पॉइंट के बाहर बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर बैठकर आपको कसौली का बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है। कसौली हिल स्टेशन का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस व्लॉग को लाइक और शेयर करें। और अंत में ये है कसौली का माल रोड। कसौली का माल रोड कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर चहल पहल काफ़ी रहती है। माल रोड को तिब्बतियन मार्केट भी कहा जाता है। तो चलिए कसौली के इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने अगले किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।